सारी तैयारी हो गई ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस मैम, हम रेडी हैं। फालतू मैंने ना स्टोर रूम में चोरी देखी और मुझे चोरों से ना बहुत डर लगता है। तुम प्लीज देख लोगे एक बार? पर स्टोर रूम में चोरे कहाँ से आ गए? ठहरो को, मैं देखती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत आभार है हाँ जी, जो तैने मौका रहते सब कुछ संभाल लिया और आदित्य जी और रुद्र जी को बुला लिया, वरना मैं लोगों को मुंह दिखाने लगता। आप यूं आभार प्रकट करके मुझे पराया मत कीजिए। आप फालतू का परिवार, उसके माँ बाबा, उस नाते मेरे को तो कुछ लगे तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? आप जब ना बहुत देर हो गई है, बच्चों को भूख लगी होगी तो खाना डाल दें। आप लोगों ने फालतू को कहीं देखा? कहीं दिख नहीं रही है। बचाओ, आ गई, बचाओ! ये तो छोरी की आवाज है, भंडार घर से आ रही है। ये क्या हो गया? गाड़ी को सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। फालतू आया एंड फाइनली खुश थे बहुत दिनों बाद। स्पेशल गेस्ट आए थे, बहुत सारे क्यूट क्यूट बच्चे आए थे, पर तनिषा को उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और तनिषा ने इस बार कुछ बहुत ही खतरनाक प्लानिंग की है। मतलब दिस इज़ वेरी इनह्यूमन। उसने फालतू की जान लेने की प्लानिंग बनाई है। अब वो कैसे क्या कर रही है आप एपिसोड में ज़रूर देखना। और फालतू बच पाएगी, कैसे बच पाएगी ये भी। अयान अभी तो हम लोग सब चिल है, हमको पता ही नहीं है कि आगे होने क्या वाला है। अभी नॉर्मली उसने प्लान के तहत फालतू को पेंट्री रूम में भेजा है, स्टोर रूम में। अब वो क्या करने वाली है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच हमेशा शो को इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही देते रहे और देखते रहे फालतू। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो एक भी एपिसोड मिस मत करना। हाय, मैं निहारिका चौकसी, वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर।